हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल प्रीतीज कॉर्नर में। आज हम बनाएंगे मोजरेला चीज़, जिसे बनाना बहुत ही आसान है। अब हमें बाज़ार से महंगे मोजरेला चीज़ नहीं लाने पड़ेंगे, इसे हम घर पर आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, बनाते हैं मोजरेला चीज़। इसके लिए हम 1 लीटर अमूल का फुल क्रीम दूध लेंगे। मैंने आधा लीटर के 2 पैकेट्स लिए हैं। अब हम एक भगोना लेंगे और उसमें 1 लीटर लगभग पानी डालेंगे और इसे उबलने के लिए रख देंगे। और साथ में 1 टीस्पून इसमें नमक डालेंगे। पानी उबलने लगा है और इसको अब हम ढककर रख देंगे। गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे। अब हम एक और भगोना लेंगे और इसमें हम दूध को पलट लेंगे। चीज़ बनाने के लिए आप गाय या भैंस किसी का भी दूध ले सकते हैं, बस दूध फुल क्रीम होना चाहिए, जिससे कि चीज़ बहुत ही अच्छी बनती है। हमने दोनों पैकेट के दूध को भगोने में पलट लिया है। अब हम इसे लो टू मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे और साथ ही इसको चलाते रहेंगे। और इसको कंटिन्यू चलाते हुए मीडियम फ्लेम पर गर्म करना है और बीच बीच में इसको चेक करते रहना है कि हमारा दूध बहुत ज़्यादा गर्म ना हो, बस इतना ही गर्म हो कि हमारी स्किन इसको छूने से सह पाए। बस अब दूध गर्म हो गया है, गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। और इस दूध को फाड़ने के लिए हम विनेगर का यूज़ करेंगे। मैंने 1/4 कप विनेगर लिया है। चम्मच से चलाते हुए हम थोड़ा थोड़ा करके विनेगर इसमें डालते जाएंगे और चलाते जाएंगे। अभी भी ये दूध पूरी तरह से नहीं फटा है, तो मैंने 1/4 कप विनेगर और ले लिया है और इसे हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। लगभग 1 टेबलस्पून हमने विनेगर और डाला है और ये देखिए हमारा दूध फट गया है पूरी तरह से। अब हम इसको छान लेंगे और जैसे ही दूध पूरी तरह से फट जाए विनेगर को डालना बंद कर देंगे। दूध को फाड़ते समय ये ध्यान रखना है कि हमारा दूध बहुत ज़्यादा गर्म ना हो, नहीं तो ये चीज़ की जगह पनीर बन जाएगा। अब हम इसे छानेंगे और एक बड़े बाउल में हमने नॉर्मल पानी लिया है। हमारा ये चीज़ बिल्कुल भी गर्म नहीं है, तो हम इसको हाथों से ही छान लेंगे। और ये देखिए 1 लीटर दूध से कितना सारा चीज़ तैयार हुआ है। अब हम इसको हल्के हाथों से स्क्वीज कर करके एक्स्ट्रा पानी को निकाल लेंगे। और ये जो वे वाटर बचा हुआ है इसको हम आटा गूंथने में, सब्जियों की ग्रेवी में या सूप्स में भी यूज़ कर सकते हैं, ये बहुत ही बेनिफिशियल होता है। अब हम इस चीज़ को इस नॉर्मल पानी में 2 से 3 बार डुबा डुबा के एक्स्ट्रा पानी को निकाल लेंगे, जिससे कि विनेगर का खट्टापन और उसकी स्मेल निकल जाए। तो अब जब भी घर पर मन करे पिज़्ज़ा, चीज़ बॉल्स या बर्गर बनाने का, तो आप इस तरह से तुरंत झटपट बना सकते हैं चीज़, वो भी बड़ी आसानी से। अब हमने गर्म पानी लिया है, जो मैंने पहले से ही नमक डाल के गरम कर लिया था। इसको हम एक बॉल में पलट लेंगे और इस चीज़ को इसमें डाल के फिर से इसको डुबा डुबा कर स्क्वीज़ कर करके निकाल लेंगे। अभी ये पानी बहुत गर्म है, तो हम इसको करछी से ही निकाल पाएंगे। और ये देखिए गर्म पानी में करने से इसमें जो रही से विनेगर की महक और खट्टापन होगा वो भी निकल जाएगा और हमारा चीज़ बहुत ही अच्छा तैयार होगा।
इस प्रोसेस को भी हम एक से दो बार कर लेंगे। गर्म पानी में हम इसे डुबा डुबा कर स्क्वीज कर लेंगे। और ये देखिए हमारा चीज़ तैयार हो गया है। इसे आप किसी भी शेप में तैयार कर सकते हैं। मैंने ओवल शेप में इसे तैयार किया है और किसी भी एयर टाइट कंटेनर में रख सकते हैं या फिर क्लिंग रैप में भी आप इसे रैप करके फ्रिज में एक से दो घंटे के लिए रख देंगे सेट होने के लिए। एक से दो घंटे हो गए हैं और ये देखिए हमारा चीज़ बिल्कुल भी रेडी है। और ये देखिए हम इसको कट करेंगे। आप चाहें तो इसको बिना फ्रिज में रख के तुरंत भी यूज़ कर सकते हैं। और हम इसे इस तरह से कट कर सकते हैं। आप चाहें तो क्यूब्स में भी इसे कट कर सकते हैं। मैं इसको मोटे मोटे स्लाइस में कट कर रही हूँ। आप इसे एयर टाइट कंटेनर में फ्रिज में एक महीने तक स्टोर करके रख सकते हैं और इसे एंजॉय कर सकते हैं। अब हम इस स्लाइस को ग्रेट कर लेंगे। हमने इसे ग्रेट कर लिया है। अब हम एक पैन लेंगे और इस पे हम हल्का सा घी लगा के ब्रेड रखेंगे और इस ग्रेटेड चीज़ को हम इस पे डाल देंगे। और इसे ढक्कन लगा के हम लो टू मीडियम फ्लेम पर इसे पकाएंगे। और ये देखिए हमारा चीज़ बिल्कुल भी मेल्ट हो गया है। और इसे हम कट करेंगे और ये देखिए ये कितना स्टिकी है। ये देखिए कितना स्ट्रेच हो रहा है। यदि आपको मेरी ये रेसिपी पसंद हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें और मेरी इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। Thanks for watching my channel. Take care and bye-bye.